मित्रों, आज हम मिर्जापुर वासियों का परम सौभाग्य है कि आज हम सब लोगों के बीच दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता, भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीबों के दिलों के पे राज करने वाले श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार नारा लगा करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, अब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि माता विंध्यवासिनी का चित्र और मोमेंट और अंग वस्त्रम देके श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं मिर्जापुर के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद सम्मानी अनुप्रिया जी से अनुरोध करता हूं कि दुशाला देकर के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मित्रों, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बतौर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बतौर सदस्य मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप सब लोगों से स्वागत करते हुए और मिर्जापुर और भदोही की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि देश के अंदर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के बच्चों को आरक्षण नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार जब केंद्र में थी तो इन लोगों ने पिछड़े वर्ग के बच्चों को आरक्षण इन विद्यालयों में नहीं दिया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने तत्काल उसी समय कुछ ही दिनों के अंदर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में आरक्षण देने का काम किया था। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ने का जो अवसर दिया है आरक्षण के माध्यम से, पिछड़ा वर्ग को नीट में आरक्षण देने का काम किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूं कि आए और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय सांसद श्री रमेश विंद जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के सभी हमारे प्रत्याशीगण, सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मिर्जापुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा ये बिंदु क्षेत्र आजादी के बाद से तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। ये क्षेत्र अपने विपुल प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन आजादी के बाद लगातार इस क्षेत्र को पिछली सरकारों ने न केवल उपेक्षित किया
बल्कि पेशेवर माफिया और भू माफियाओं के हवाले करके यहां के संसाधनों पर तो लूट पाट मचाई, लेकिन यहां पर पेयजल की भीषण समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं कर पाए। यह क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से अपेक्षित तो था ही, आज हम आपके आभारी हैं और आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके कारण आज बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना लागू हो रही है और कुछ ही महीनों में बिंद क्षेत्र के सभी गांव में हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। और ये आजादी के बाद पहली बार यहां की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हो रहा है। मैं बिंद क्षेत्र के इन सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा से भी वंचित था। आपने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज मां विंध्यवासिनी के नाम पर मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ आपके कर कमलों से हो चुका है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और भदोही में भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। और जगत जननी मां भगवती मां विंध्यवासिनी के धाम को आपने पूरे देश के अंदर काशी विश्वनाथ धाम को दुनिया के सामने काशी को जिस रूप में प्रस्तुत किया, आज उसी तर्ज पर मां विंध्यवासिनी का यह धाम भी आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर आप और आपके द्वारा गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए जो विभिन्न प्रकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उसका लाभ बिंद क्षेत्र में भी लगातार प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, एस के जो प्रत्याशी हमने दिए हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश में एक दमदार सरकार के निर्माण के लिए आपके सहयोग और समर्थन की अपील करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें कुछ ही देर में प्राप्त होगा। मेरी आप सबसे अपील है, जिन लोगों ने 70 वर्षों तक आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज अपने वोट की चोट से इनको इतना तरसाइए कि आने वाले समय में राजनीति का प्राधिकरण करने वाले, राजनीति का माफियाकरण करने वाले और राजनीति में वंशवाद और अराजकता फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर के आपका शोषण करने का दुस्साहस न कर सके, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना मार्गदर्शन बिंद क्षेत्र के इन सभी नागरिकों को प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जय मां विंध्यवासिनी। विंध्याचल मां अष्टपूजा, काली खो माता की पुण्य भूमि मिर्जापुर और कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध भदोही के जन जन को मेरा प्रणाम।
छह चरणों में उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। हम मिर्जापुर, भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। गोर परिवारवादियों को, माफियावादियों को आपको फिर हराना है और जोरदार तरीके से हराना है। हराओगे ना, हराओगे ना भाई और बहनों। इस समय हम और पूरा विश्व इस शताब्दी के बहुत नाजुक दौर में हैं। महामारी, अशांति, अनिश्चितता, इससे आज दुनिया के अनेक देश प्रभावित हो रहे हैं और इस कालखंड में आप ये भी देख रहे हैं कि संकट चाहे कितना ही गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं, उससे भी ज्यादा दृढ़ रहे हैं। कोरोना काल में हमारे लाखों भारतीय पूरी दुनिया में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन वंदे भारत चलाकर अपने एक एक नागरिक को वापस आने में मदद की। अफगानिस्तान में हजारों भारतीय संकट में फंसे तो हमने ऑपरेशन दैवी शक्ति चलाकर अनेकों भारतीयों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जो अब भी वहां है उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। भाइयों और बहनों, भारतीय मानक समय रेखा, ये समय रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मां विंध्यवासिनी के चरणों को छूकर मिर्जापुर का समय पूरे देश का समय तय करता है। इसलिए मिर्जापुर का विकास, यूपी का विकास देश के विकास को गति देता है। भारत का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए
मिर्जापुर के लोगों का, भदोही के लोगों का एक एक वोट भाजपा के पक्ष में पड़ना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा हुआ हो। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो ईमानदार हो। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास के लिए दिन रात मेहनत करना जानता हो। और ये जो गौर परिवारवादी है, इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। आप उस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। इनका इतिहास हजारों करोड़ के घोटालों का है, यूपी को लूटने का है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने का है, दंगाइयों को मदद करने का है। इनका इतिहास माफियाओं को संरक्षण देने का है, अपराधियों को पालने पोसने का है। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश का। इन गौर परिवारवादियों को सिर्फ एक ही काम आता है, समाज को तोड़ो, लोगों को बांटो और सत्ता में आकर यूपी को लूटो। क्या ये खेल आपको मंजूर है? ये खेल आपको मंजूर है? क्या ऐसा खेल फिर यूपी में खेलने देना है? भाइयों बहनों, इन परिवारवादियों में मेहनत करना तो इनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। गरीब के लिए मदद पहुंचाना, गरीब की चिंता करना, इसके लिए इनको फुर्सत ही नहीं है। ये लोग यूपी को, देश को ताकतवर नहीं बना सकते। इसलिए आपके लिए ये समय देश के साथ एकजुट होकर, साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का समय है। इस बार आपका वोट समर्थ भारत के लिए, सशक्त उत्तर प्रदेश, इस सपने को साकार करने के लिए है। साथियों, इस सदी में भारत की ताकत कैसे बढ़ रही है, ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। दुनिया के बड़े बड़े देश संकट के इस समय में पस्त पड़ गए, लेकिन भारत पिछले 2 साल से अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दे रहा है।
गरीब का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर गरीबों का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चे का पेट भरता रहे, 2 साल लगातार इस संकट की घड़ी में काम करता रहा है। भाइयों बहनों, जब गरीब मां ये कह रही है कि हमने तो मोदी का नमक खाया है, भाइयों बहनों, जब एक मां ये शब्द बोलती है, मेरे लिए वो शब्द नहीं होते हैं, मेरे लिए वो आशीर्वाद होते हैं। मैं मेरी उन गरीब माताओं को कहना चाहता हूं, मां आपने मोदी का या योगी का नमक नहीं खाया है, आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट के कारण ही नमक आपके तक पहुंचा है। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं कि मां नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। और इसलिए मां मैं आपने जो मुझे नमक खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह मां मैं नमक का कर्ज चुकाता रहूंगा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना काल में अपने नागरिकों को सीधे पैसा नहीं भेज पाए, लेकिन भारत ने इस कोरोना काल में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 30,000 करोड़ रुपए भेजे। इसी कोरोना काल में हमने देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,25,00,000 करोड़ रुपए भेजे। सिर्फ कोरोना काल में मिर्जापुर के किसानों को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा और भदोही के किसानों को करीब 250 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे हैं। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में भाजपा सरकार ने गरीब के जीवन को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के नागरिकों को आज वैक्सीन लगाने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन भारत वो देश है जो अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगा रहा है। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? टीका लगा कि नहीं लगा? आपको 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा क्या?
आपके जेब से एक पैसा भी गया क्या? दुनिया के देशों में ऐसा नहीं हो रहा है, ये भारत कर रहा है भाइयों बहनों। साथियों, भारत इतना सब कुछ आज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपने वोट देकर केंद्र में गरीब को, गरीब के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार बनाई है। और मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार जो पैसा यहां भेजती है वो योगी जी की सरकार पूरी तरह गरीबों पर ही खर्च करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, पहले ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए वो खुलेआम स्वीकार करते थे कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं, गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। भाइयों बहनों, ये मोदी और योगी हैं, रुपया दिल्ली से निकलता है 100 के 100 पैसे आखिरी जगह तक पहुंचते हैं। भाइयों, यूपी के विकास के लिए ऐसे ही डबल इंजन की सरकार यहां लगातार चाहिए। साथियों, गौर परिवारवादियों के कुशासन का सबसे बड़ा नुकसान गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासी परिवारों ने उठाया, हमारी माता बहनों ने उठाया है। इसलिए मैं आज मां विंध्यवासिनी की इस भूमि पर माताओं, बहनों, बेटियों से भी विशेष आग्रह करूंगा, जिन गौर परिवारवादियों ने अपने कार्यकाल में, उनकी सरकार थी तब, बहन बेटियों को इतना सताया, मेरी बहन बेटियां अब उनको सजा देने का मौका है। आप इस चुनाव में ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए, फिर कभी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की जिंदगी पर कोई संकट ना आए। भाइयों और बहनों, इस धरती ने सोनेलाल पटेल जी जैसे जनप्रतिनिधि देश को दिए। सोनेलाल जी को मैं बहुत निकट से जानता था। सरदार पटेल के सपनों को जीवन का संकल्प बना करके चलने वाले सोनेलाल जी, गरीबों को सशक्त करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। लेकिन एक गौर परिवारवादियों ने गरीबों को, माताओं बहनों को वो लाभ लेने ही नहीं दिया, उन तक पहुंचने दिया। जिसका पैसा केंद्र सरकार दे रही थी वो भी खुद के लिए। भाइयों बहनों, मोदी ने गरीब बहनों को लखपति बनाने के लिए आवास योजना बनाई, हर गरीब को पक्का घर मिले, ये मेरा सिर्फ वादा नहीं, ये मोदी का संकल्प है। आज करोड़ों घर बन चुके हैं, जिनके बाकी है वो भी बनना तय है। मैं मेरे गरीब मां बाप को गरीबी में जीने रहना नहीं चाहता हूं भाई। अब आप देखिए, 2017 से पहले इन्होंने क्या काम किया था, यह आंकड़ा मैं कह रहा हूं, याद रखोगे आप, मैं जो आंकड़ा बताऊंगा ना, ये सुनकर के आप जिंदगी में कभी ऐसे लोगों के वोट नहीं देंगे, पक्का मैं मानता हूं जी। मैं बताऊं उन्होंने क्या किया था,
बताऊं, आप सब लोग कहो तो मैं बताऊं, बताऊं, सुनिए, हमारे इस मिर्जापुर शहर में गरीबों के लिए जब उनकी सरकार थी तो गरीबों के लिए 800 घर बनाए, 5 साल उनकी सरकार रही, 5 साल में ये परिवारवादियों ने गरीबों के लिए 800 घर बनाए। आप मुझे बताइए, क्या मिर्जापुर में सिर्फ 800 लोग ही गरीब है क्या? आप बताइए, सिर्फ 800 लोग गरीब है क्या? तो औरों के लिए घर क्यों नहीं बनाए भाई? लेकिन जब योगी जी की सरकार आई, दिल्ली सरकार घर बनाना चाहती थी, पुरानी सरकार गरीबों की परवाह नहीं करती थी, योगी जी ने बीड़ा उठाया, मोदी जी आपका संकल्प पूरा करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और उसका परिणाम क्या आया, क्या परिणाम आया, मैं जरा पहले आंकड़ा बोला था, बताइए उनकी सरकार ने कितने घर बनाए थे, जरा जोर से बोलिए, कितने बनाए थे, कितने बनाए थे? अब मैं आंकड़ा बताता हूं, वो भी याद रखिए, योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने 40,000 से अधिक आवास, 40,000 से अधिक आवास हमारे इस मिर्जापुर शहर के गरीबों के लिए स्वीकृत किए। इतना ही नहीं, उनके 800 पांच साल में योगी जी ने 28,000 आवास बनाकर तैयार भी हो चुके हैं, यानी मिर्जापुर की 28,000 बहने लखपति हो चुकी है। भाइयों बहनों, अब आप कहिए, क्या 800 घर बनाने वाले को वोट देंगे कि 28,000 वाले को देंगे? क्या 800 वाला गरीबों का भला करता है कि 28,000 वाला करता है? साथियों, और जब गरीबों के घर बनते हैं तो गरीब को तो एक अच्छी की जिंदगी जीने की शुरुआत होती है, लेकिन जब गरीबों का घर बनता है ना, तो मिर्जापुर में मध्यम वर्ग के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको भी आय का साधन मजबूत हो जाता है, क्योंकि घर बनाने के लिए ईंट खरीदते हैं वो तो छोटे व्यापारी से खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं वो भी तो यहां के व्यापारी से खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं वो भी तो यहां के व्यापारी से खरीदते हैं, लकड़ी की जरूरत पड़ती है वो भी यहां के व्यापारी से खरीदते हैं, बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है वो भी काम यहां के लोगों को मिलता है। यानी सिर्फ 28,000 परिवार लखपति बनते, ऐसा नहीं, यहां की रोजी रोटी चलती है, यहां का व्यापार चलता है, यहां के लोगों को धंधा रोजगार चलता है, ये काम हमारी योजना करती है भाइयों। और इसे मध्यम वर्ग के अनेकों लोगों को भी इस योजना का बड़ा लाभ मिलता है। साथियों, भदोही हो, मिर्जापुर हो, ये पूरा क्षेत्र अद्भुत कलाकारों, कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के लिए हमेशा ये जाना पहचाना गया है। लेकिन इतने वर्षों तक गौर परिवारवादियों ने इनके विकास के बारे में कभी सोचा नहीं। ये हमारी ही सरकार है जो इनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुद्रा योजना से सस्ता, आसान ऋण और आधुनिक मशीनें मिलने से यहां के हजारों परिवारों को
बहुत मदद मिली है। योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार पर्याप्त बिजली सुनिश्चित की है, उससे भी कालीन उद्योग, वस्त्र उद्योग को बहुत मदद मिली है। आज बुनकरों, हस्तशिल्पियों के परिवारों को जीवन बीमा, बच्चों को पढ़ाई में मदद और उनके कौशल विकास के लिए भी अनेक योजनाएं चल रही है। साथियों, मिर्जापुर और भदोही को काशी से जोड़ने वाली सड़कों को आज चौड़ा किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ माता के भक्तों को होगा, यहां के व्यापार कारोबार को होगा, भदोही के कालीन उद्योग को होगा, विंध्य कॉरिडोर के निर्माण से यहां पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बहुत बल मिलेगा। और इसलिए आपको यहां विकास के लिए, कानून के राज के लिए भारी मतदान करना भी है और घर घर जाकर मतदान करवाना भी है। आपको कमल के फूल, कप और प्लेट, भोजन भरी थाली, इस पर बटन दबाना है। भाजपा हो, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, हर उम्मीदवार जीतना चाहिए, इस संकल्प के साथ। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी रैली तो आपने कर दी, अब तो गर्मी भी शुरू हो गई है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए, तो अब आपको लगता होगा अब तो चुनाव जीत गए, अब चलो सो जाओ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे ना, सो नहीं जाओगे ना, खुशी के मारे ऐसे ही हवा में रहोगे, ऐसा नहीं करोगे ना, घर घर जाओगे, एक एक मतदाता को मिलोगे, मतदाता से चुनाव की बात करोगे, हमारे उम्मीदवार को जिताने की बात करोगे, पक्का करोगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे क्या, मेरा एक काम करोगे क्या, सब लोग बताओ तो मैं बताऊं, वरना क्यों बताऊं, मेरा एक काम करोगे क्या, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे क्या, पक्का करोगे। मुझे ये मां विंध्यवासिनी के लोगों पर भरोसा है, मेरा एक काम है, घर घर जाइए, हर घर जाइए और उनको कहिए कि मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। इतना करोगे, पक्का करोगे, मैं अब आपका बहुत आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की।